उत्तर प्रदेश के पुराने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद का 55वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुरादाबाद के सभी पुलिस संस्थानों के जवानों ने परेड में निजी ट्रेनिंग को सलामी दी। इस दौरान एक स्पेशल ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कला और संस्कृति के संगम को ऑडिटोरियम की दीवारों पर दर्शाया गया। साथ ही साथ पुलिस मेमोरियल आइटम्स की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस को अतीत में मिले मेडल और उपहारों को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर मुरादाबाद के डीजे ट्रेनिंग के साथ साथ नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद के डायरेक्टर एस राजन भी मौजूद रहे। मुरादाबाद के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी से ही ट्रेन कराते हैं और पूरा देश भर में जितना भी ट्रेनिंग के अलावा पुलिस व्यवस्था का लीडरशिप वही लोग देते हैं। पहले माउंट अबू में प्रशिक्षण हुआ करता था, बाद में हैदराबाद में शिफ्ट हुए। मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ कि मुरादाबाद में कैसी व्यवस्था है और वहाँ पर नेशनल पुलिस एकेडमी में क्या क्या व्यवस्था है। तो समय के अनुसार दोनों में काफ़ी मिला जुला एक ही तरह का मतलब प्रशिक्षण व्यवस्था में देख रहा हूँ और लीडरशिप वाले लोग ट्रेन होने के कारण और कम संख्या में ऑफिसर्स ट्रेन होने के कारण बहुत विशेष तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं। अब NPA भी उत्तर प्रदेश के ट्रेनिंग संस्थानों के प्रशिक्षकों को एडवांस ट्रेनिंग देगा, जिसमें साइबर क्राइम के साथ साथ डेटाबेस क्राइम की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ के जो ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के साथ साथ जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उसी को हम ट्रेनिंग कर देंगे ताकि जो आने वाले बैचेस को हमारे यहाँ पर NCRTCA की संस्था है, उसके माध्यम से हम 10,000 ऑफिसर्स लोगों को देश के कोने कोने पर भेज करके ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके साथ ही यहाँ इंटरनेशनल पुलिसिंग की तर्ज पर IPS जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वहीं तरह तरह के रिसर्च प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं।